अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ क्रेसी बॉल। क्रेसी बॉल के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए आलू। आलू को मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है, और इसके साथ साथ चीज़ ले ली है मैंने, मोज़रेला ली है। आपको जो पसंद है आप वो वाली चीज़ ले लीजिए। बंद गोभी ले ली है, शिमला मिर्च और गाजर ले लिए। ये अपने टेस्ट के मुताबिक है, कोई भी चीज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, क्रेजी बॉल के लिए हमें चाहिए ब्रेड। ब्रेड के मैंने दो स्लाइस ले लिए हैं, ये ब्राउन ब्रेड है, आप चाहे तो वाइट वाली ब्रेड भी ले लीजिए। इसको हम ऐसे काट लेंगे ऐसे, फिंगर शिप्स की तरह इसे काट कर, हमने इसे बहुत छोटा छोटा यूं कट कर लेना है। जितना छोटा कट करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे क्रेजी बॉल बनेंगे। तो ये सारी मैंने कट कर ली है, इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। ब्रेड को हमने एक साइड पे निकाल लिया है। अब मैंने ले लिए हैं ये टमाटो बॉयल हुए हुए। अच्छा, इसमें डाल रही हूँ मैं ये उबले हुए आलू में शिमला मिर्च और गाजर बारीक कट की हुई, और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें बंद गोभी बारीक कट की हुई, और इसके साथ मैं डाल दूंगी इसमें धनिया। इसे भी धोकर मैंने बारीक कट कर लिया है, और इसके साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च 1 टीस्पून है, और 1 टीस्पून ही नमक है। ये इसमें डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बना लेंगे इसके बाउल। ऐसे लेंगे और इसके सेंटर में हमें रखना है चीज़। चीज़ को रखा और फिर इसे ऊपर से और इसे कोटिंग कर देंगे आलू के साथ। मैं सारे बॉल ऐसे बना लूँगी। यहाँ हमने सारे बॉल तैयार कर लिए हैं, अब इन्हें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने एक अंडा ले लिया है, इसको अच्छे से फेंट लेंगे, कोटिंग करेंगे ब्रेड की। अच्छा, अब हमें करना ये है, ये जो हमने अंडा फेंटा है इसमें अच्छे से इसको अंडे की कोटिंग कर देंगे। इस पर अंडे की कोटिंग करेंगे और उसके बाद इसकी कोटिंग इसकी कर देंगे। बहुत इजी है और बहुत अच्छा लगता है, ऐसे इसकी कोटिंग कर दी है। ये छोटे छोटे ब्रेड के पीस इस पर अच्छे से लगा दिए हैं, इस तरह ही सारे बॉल में तैयार कर जी। तो मैंने सबको ऐसे कोटिंग कर ली है, अब इसको डीप फ्राई करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो ऑयल हो गया है गर्म, और इसमें हम डाल देंगे अपने क्रेजी बॉल। ये फ्राई हो चुके हैं, बस अब मैंने डिश आउट करती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो क्रेजी बॉल तैयार है। जाते जाते आपको एक शेर सुनाते हुए चलूँगी। वो साहिल से देखता रहा मेरे डूबने का मंजर, वो साहिल से देखता रहा मेरे डूबने का मंजर, हम भी डूब गए मगर पुकारा नहीं उसे। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए साइमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।